जी हाँ दोस्तों, सीआईएसएफ लेटेस्ट वैकेंसीज के अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहाँ पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर बात करूं सीआईएसएफ के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एंड डायरेक्टरेट जनरल सीआईएसएफ की तरफ से वैकेंसीज यहां पर रिलीज किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एसआई पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, साथ ही में एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, जीडी कांस्टेबल और ड्राइवर के पदों के लिए इन वैकेंसीज को रखा गया है। मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट यहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट यहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं। बात करते हैं दोस्तों वैकेंसीज के ओवरव्यू के बारे में, तो देखिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ये वैकेंसीज हैं, सीआईएसएफ की तरफ से। रिक्रूटमेंट 2022 की इंफॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो पोस्ट नेम आपका यहां पर जो है सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, जीडी कांस्टेबल और ड्राइवर के पदों पर वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लें, तो ग्रैंड वैकेंसीज आप सभी के लिए रखी गई है, 10,558 पद रखे गए हैं, जिनके लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। सो काफी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ली, तो यहां पर अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है या फिर 12th पास किया हुआ है और ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की हुई है, तो आप यहां पर इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मतलब कि 10वीं पास, 12वीं पास और डिग्री पास कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एज लिमिट के बारे में बात कर ली, तो 18 से 23 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी, ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी यह जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी cisf.gov.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एंड इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आगे की अपडेट के बारे में, तो देखिए यहां से आप जो है पोस्ट वाइज वैकेंसीज इजीली चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, तो 702 पदों पर वैकेंसीज रखी गई हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 1193 पोस्ट रखी गई हैं एंड हेड कांस्टेबल पद के लिए आपको 2762 पद देखने को मिल जाएंगे। कांस्टेबल के लिए अच्छी खासी वैकेंसीज रखी गई हैं, जिनमें 4829 पद आपको देखने को मिल जाएंगे एंड ड्राइवर के लिए 1075 पदों पर वैकेंसीज रखी गई है। सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 10,558 पदों पर वैकेंसीज हैं, जिनके लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। काफी अच्छी खासी वैकेंसीज रखी गई हैं, इनके लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर सबमिट कीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें, तो देखिए आप यहां से अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इजीली चेक कर सकते हैं। पोस्ट वाइज अगर मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, तो अगर आपने यहां पर डिग्री कंप्लीट की हुई है, मतलब कि ग्रेजुएशन आप पास हैं, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए भी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल पद के लिए 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे एंड कांस्टेबल पद के लिए 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ड्राइवर पद के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका 10वीं पास होना जरूरी है, साथ ही में आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं। इंटरमीडिएट पास कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे एंड सारी एज में छूट मिलाकर के आप जो है मोर देन 32 ईयर आपकी एज यहां पर रखी गई है, मतलब कि 32 साल से ज्यादा वाले कैंडिडेट यहां पर आवेदन नहीं कर सकते। इसी के साथ में दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लें, तो देखिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे, जिनके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन यहां पर मिलने वाला है। एज लिमिट के बारे में बात कर लें, तो 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहां पर आप जो है अपनी एज भी चेक कर सकते हैं। पोस्ट वाइज मैक्सिमम यहां पर जो है 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 20 से 25 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल पोस्ट के लिए भी 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। ड्राइवर पोस्ट के लिए आपकी 18 से 27 साल एज यहां पर रखी गई है। सो एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की एज
एज में छूट यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी एंड ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार छूट दी जाएगी। साथ ही में एक्सक्लूसिवमेंट कैंडिडेट को यहाँ पर 10 साल की एज में छूट मिलने वाली है। इसी के साथ में सैलरी के बारे में बात कर ले तो देखिए सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपको 44,900 रुपए से 1,42,000 रुपए तक आपको सैलरी दी जाएगी जो की काफी अच्छी खासी सैलरी आपकी बन जाती है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए भी आपको 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। हेड कॉन्स्टेबल पद के लिए 25,500 से 81,100 रुपए तक काफी अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी एंड कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए 21,700 से 69,100 रुपए तक आपको सैलरी यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। ड्राइवर पोस्ट के लिए बात करूं तो 21,700 से 69,100 रुपए तक आपको सैलरी यहां पर दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर ले तो देखिए आप अपनी एप्लीकेशन फीस 1 नवंबर 2022 से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करवा सकते हैं या फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 30 नवंबर 2022 आप सभी के लिए लास्ट डेट रखी गई है। सो आप अपनी एप्लीकेशन फीस को या फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 1 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आपकी 100 रुपए रहेगी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन के कैंडिडेट हैं या फिर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। SC ST एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करवानी होगी। आप अपनी एप्लीकेशन फीस को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर UPI और कैश कार्ड और वॉलेट के माध्यम से इजिली जमा करवा सकते हैं। यहाँ से आप जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट को 100 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फीस सबमिट करवाने की जरूरत नहीं होगी। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।